हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तुबा हॉस्पिटैलिटी। दोस्तों, हमारे चैनल तुबा हॉस्पिटैलिटी पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त समीर। आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, बहुत दिनों से कुछ लोग मुझसे एक सवाल कर रहे थे कि टीम मेंबर में क्या क्या काम करना पड़ता है, सर्विस क्रू में क्या क्या काम करना पड़ता है, और कुछ हमारे भेजे हुए कैंडिडेट्स हैं उनके कुछ इश्यूज आ रहे हैं काम करने को लेके। तो ये वीडियो मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाया है कि सर्विस क्रू टीम मेंबर में अगर आप जा रहे हैं, स्पेशल गल्फ कंट्रीज जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, तो आप लोगों को वहाँ पर क्या क्या काम करना पड़ेगा। अगर आपने इंडिया में QSR इंडस्ट्री में या फिर फाइन डाइन कैजुअल डाइन में काम नहीं किया है, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आपने यहाँ पर इंटरव्यू क्रैक करके सऊदी चले गए हैं, कुवैत चले गए हैं, तो वहाँ जाने के बाद आपको कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं और आपको कौन कौन से काम करना पड़ेंगे वहाँ पर, तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हों तो उन लोगों को पहुँचाइए जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि हम अपने यूट्यूब के माध्यम से जॉब के लिए हम अपडेट देते हैं वीकली, हर 2-3 दिन के बाद। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टीम मेंबर में आपको क्या क्या काम करना पड़ सकता है। दोस्तों, टीम मेंबर का मतलब होता है कि ऑलराउंडर। आप एक टीम के मेंबर हैं, आप एक QSR चेन में, रिटेल चेन में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक टीम की तरह आपको काम करना है। आपको वहाँ पर कस्टमर भी अटेंड करना है, आपको वहाँ पर कैश हैंडलिंग भी करनी है, आपको बैक बार में भी काम करना है और किचन में भी काम करना है। किचन में आपको वहाँ कटिंग, चॉपिंग, डिश वॉशिंग सब कुछ काम किया आपको दिया जा सकता है, आपको वो भी काम करना है, और इसके साथ साथ आपको क्लीनिंग भी करनी है। जी हाँ, आपको ब्रश भी करना है, मोप भी मारना है, और कभी कभी आपको टॉयलेट भी साफ करना पड़ सकता है। पब्लिक टॉयलेट नहीं, जो आपके रेस्टोरेंट के अंदर, आपके स्टोर के अंदर जो टॉयलेट होगा, आपके यूज़ का होगा, वो वन बाय वन जितने टीम मेंबर्स होंगे सबको एक एक बार टास्क दिया जाता है कि 2 बजे इसने किया था, 3 बजे वरुण जाएगा, 4 बजे सचिन जाएगा, 5 बजे नौशाद जाएगा, 6 बजे नवाब जाएगा। तो इस तरीके का सिक्वेंस दिया जाता है, ड्यूटी दी जाती है टॉयलेट को क्लीन करने के लिए। ब्रश करना है आपको, बलदिया पैकेट जो कि आपका जो ट्रैश बैग होता है उसका भी आपको बाहर फेंकना है, ले जा जाकर इकट्ठा करना है। आपको चेयर टेबल भी क्लीन करना है, आपको बैक बार भी क्लीन करके रखना है, क्लीन और सैनिटाइज करना है, और इसके साथ कस्टमर को भी आपको देखना है, आप बार बार आपको हैंड वॉश करना है, आपको पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना है। अगर आप क्लीनिंग कर रहे हो, क्लीनिंग से आप फ्री होगा, उसके बाद आपको हैंड वॉश करके ग्लव्स पहनना है, फिर आपको कस्टमर अटेंड करना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो मेरे दोस्त वहाँ पर गए हुए हैं, मेरे कैंडिडेट्स वहाँ पर गए हुए हैं, वहाँ से मेरे को कंप्लेंट कर रहे हैं कि सर यहाँ पर हमसे क्लीनिंग करवाई जा रही है, इससे हमारा ईगो हर्ट हो रहा है। तो दोस्तों, ईगो हर्ट नहीं होता है, ये एक हॉस्पिटैलिटी का पार्ट है। अगर आप होटल इंडस्ट्री से जुड़ रहे हो, आप नए हो, आपने HM की डिग्री या डिप्लोमा नहीं है आपके पास, आप सिर्फ सिंपल 10th पास, 12th पास हो, आपको अगर जॉब लग गई है आपकी सर्विस क्रू में, तो आप बहुत लकी हो दोस्तों। क्योंकि पिछले 10-15 साल पहले इस तरह का माहौल था कि नॉन HM बंदे को कोई भी कंपनी हायर नहीं करती थी, बट आज की डेट में बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ गया है और कंपनियों को बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वान्टिटी में कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं, तो वो लोग प्लस टू कैंडिडेट गुड लुकिंग और अच्छा कम्युनिकेशन के साथ देख के ले जाते हैं, खुद ट्रेनिंग देते हैं। तो प्लीज़, ये भी एक हॉस्पिटैलिटी का पार्ट है, इसमें आप डिमोटिवेट मत होइए। ऐसा नहीं है कि आपकी इंसल्ट हो रही है, बहुत आपको एम्बेरेसिंग लग रहा है अगर आप क्लीनिंग कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, मॉप लगा रहे हो या ट्रैश बैग को बाहर फेंक रहे हो। ये एक टीम मेंबर की तरह काम होता है, आपको सारे काम करना है थोड़ा थोड़ा। जितने आप पुराने हो जाओगे तो आपको हो सकता है कि परमानेंट कैशियर बना दिया जाए, 6-7 महीने के बाद, साल भर के बाद हो सकता है कि आपको शिफ्ट इंचार्ज बना दिया जाए, आपको कैप्टन बना दिया जाए। लेकिन अगर आप जा रहे हो, आप बिगनर हो, आपको बिगनिंग आप कर रहे हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, स्टार्टअप है आपका, तो आपको वहाँ पर सारे काम करना पड़ेंगे। जो भी आपका शिफ्ट इंचार्ज, स्टोर मैनेजर आपको जो भी काम दे रहा है, सारे काम आपको करना है। आपको ये नहीं करना है कि मुझे सिर्फ कैशरिंग करनी है, कि मैं सिर्फ कस्टमर अटेंड करूँगा, मैं सिर्फ ऑर्डर लूँगा, तो ऐसा दोस्तों नहीं है। आपको सारा काम करना है अपने टीम, एक टीम मेंबर की तरह। पूरी टीम होती है, सबको थोड़ा 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 काम दिया जाता है, आपका सुपरवाइजर जो काम देगा आपको वो काम करना पड़ेगा। तो मेक श्योर, अगर जो लोग नए हैं QSR इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपके मन में QSR इंडस्ट्री ज्वाइन करना है, होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करना है, तो प्लीज़ ये बात अपने मन में, अपने दिमाग में घर करा लीजिए कि आपको क्लीनिंग भी करनी है, क्लीनिंग भी पार्ट है हॉस्पिटैलिटी का। तो दोस्तों, ये मेरा सिर्फ सिंपल सा मैसेज था उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा कन्फ्यूजिंग थे कि हम लोग सर्विस क्रू में आए या टीम मेंबर में आए तो हमसे क्लीनिंग क्यों कराई जा रही है। तो आपको क्लीनिंग भी करनी है दोस्तों, कस्टमर भी अटेंड करना है, आपको कैश हैंडलिंग भी करनी है POS के ऊपर, आपको बैक बार में भी काम करना है, आपको कटिंग चॉपिंग भी करनी है, सब सारे टास्क आपको करना है जो आपका सुपरवाइजर आपको दे रहा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।